वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब जनूबिया हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ हमें हमारे टैलेंट ने भी ज्वाइन कर लिया। टैलेंट हम जागो लाहौर पे जरूर प्रमोट करते हैं और इन्होंने हमसे हमारे फेसबुक पेज पे रब्ता किया। ताशवीन मजीद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि विजुअल आर्टिस्ट हैं। ताशवीन वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? आई एम गुड। अच्छा ताशवीन, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी विजुअल आर्टिस्ट होना, बेसिकली ये टर्म जो विजुअल आर्टिस्ट है क्या है? असल में विजुअल आर्टिस्ट चूँकि विजन से निकला है तो पेंटिंग्स स्कल्पचर इसमें डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फील्ड है। लेकिन तो आपकी क्या है फील्ड? मेरी पेंटिंग है। पेंटिंग है, लवली। तो किस जॉनरा में आप काम करते हो बेसिकली? मैं तो कंटेम्प्रेरी काम करता हूँ, मॉडर्न काम है। मेरा जो थीसिस था 2008 में वो बड़ा इस तरह का था कि वो इंस्टॉलेशन बेस्ड था, चूँकि 2007 में मेरे घर को आग लग गई तो मैं उसी घर के जो बर्न मटेरियल था उसको यूटिलाइज किया। अच्छा। तो वो फिर मेरा ऐसा 10 साल मुझे हो गए तो वो एक सिग्नेचर बन गया, मोनालिसा ऑन मदरबोर्ड। तो मैंने जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं वो लेके तो उसको फिर यूटिलाइज किया अपने, और मैंने मोनालिसा को एज ए सिंबल ऑफ पेन। लवली लवली। जनूबिया अभी हम बात कर रहे थे वेट लॉस की, सबसे पहले तो आपने टिप दी के वॉक करनी है। अच्छा, बहुत सारे लोगों की डबल चिन होती है। हाँ। और डबल चिन के अलावा बाजू, वैसे ओवरऑल लीन होंगे लेकिन बाजू बड़े मोटे होते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम होता है? या फिर आप एक वजह ये भी होती है अर्मला कि हम बाज दफा जब जिम जाते हैं, मैं कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट एक क्लियर कर दूँ, हम जिम जाते हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट खवातीन का ही होता है कि हम अगर वेट उठाएंगे ना तो हम बिल्डर बन जाएंगे, ये बिल्डर्स की तरह हमारे मसल्स। अच्छा, औरतों के अंदर वो हॉर्मोन्स ही नहीं है रिलैक्स हो जाएं बिल्कुल कि जिससे आपके मसल्स बनेंगे। अनटिल अनलेस के आपके अंदर कोई मेनली हॉर्मोन्स या फिर आपके कोई हार्मोनल इशू ना हो तो उसके अलावा आप कभी मसल नहीं बना सकते। तो एक चीज, जब कभी आप जाएं या एक्सरसाइज करें तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग को जरूर अपनी एक्सरसाइज का हिस्सा बनाएं। ठीक है? अगर आप वॉक करें, अच्छा हम वेट लॉस करते हैं जब डाइटिंग करते हैं बहुत ज्यादा, सबसे बड़ी बाजू की जो रीजन होती है आपके फेस की किसी, हम डाइटिंग करते हैं हमारी बॉडी में से फैट जब निकलता है तो स्किन लटक जाती है, सैगी हो जाती है। तो उस स्किन को बेहतर करने, ये तो सबसे पहले जरूरी है कि जब आप डाइट करो साथ एक्सरसाइज करो ताकि आपकी स्किन पे स्ट्रेच मार्क्स ना पड़े, आपकी स्किन उस तरीके से लूज ना हो। तो ये सबसे बड़ी रीजन होती है, जब आपका वेट कम होता है तो आपकी बॉडी लटक जाती है और फिर वो एक एक्स्ट्रा जिसे कहते हैं ना लटक रहा वाला मास होता है, बहुत ही बुरा, बहुत बुरा लगता है। वो मोस्टली खवातीन के या तो बाजू पे आता है या लेग्स पे आता है डबल चेन। आप बहुत ज्यादा मोबाइल जो लोग यूज करते हैं या बहुत बड़ा तकिया यूज करते हैं, आजकल तो बच्चे का ये प्रॉब्लम है। अच्छा, हम कहते हैं च्युइंगम को च्युइंग करें तो हमारा वो डबल चेन कम हो जाएगी, सम हाउ वो भी थोड़ा बहुत मैटर करता है, लेकिन आपको फेस योगा जिसे कहते हैं हम, उसको जरूर करना चाहिए। फेस योगा, अब ये नहीं है कि अब उसमें आप बैठ गए तो आपको उसके लिए 20 से 25 मिनट चाहिए, आप किचन में खड़े हो ना। मैं हमेशा से अपनी मदर को भी अपनी बहनों को भी ये कहती हूँ, आप किचन में खड़े ना, आपके पास टाइम नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप हंडिया को रखे दम पे रखे तो आप उसी वक्त कर सकते हो। आप बच्चों को पढ़ा रहे हो थोड़ा सा चलते फिरते आप कर लो, कुछ भी कर सकते हो। कोई एक्सरसाइज का ये नहीं है कि एक स्पेसिफिक टाइम है आपने उसी में जाने और एक्सरसाइज करना है, आप इसको कहीं पे भी कर सकते हो। अच्छा, सबसे जो आप बता रहे हैं हमारा मेजर मसला आर्म्स का होता है, देखिए आर्म्स को आप जब भी कभी बॉडी को ऑपोजिट डायरेक्शन में कहीं पे भी लेके जाएंगे वो आपके आर्म्स स्ट्रेच हो रहे हैं। ठीक है, बेसिकली हमें स्ट्रेचिंग ही करना होता है। अब आप बिल्कुल आर्म्स को सामने रख के मेक श्योर रख के आपकी बैक स्ट्रेट हो। ठीक है, जब भी का खास ख्याल रखें, आपने जब भी बैठना है, उठना है, चलना है, फिरना है, पेट को अंदर खींच के रखना है। ठीक है, बैक को स्ट्रेट रखना है एंड चेस्ट आउट। Okay. अब आप जब चेस्ट आउट करोगे ऑटोमेटिकली आपकी बैक स्ट्रेट हो जाएगी, वो आपकी गर्दन, अच्छा आपने देखा हो कि आपके सर के गर्दन पे एक फैट की लेयर बन जाती है, वो उसकी रीजन भी ये होती है कि आप लोग बहुत ज्यादा झुक के, तो आपने रखना है फेस, आप बिल्कुल फेस को सामने, चिन को ऊपर रखना है, बैक स्ट्रेट रखनी है, चेस्ट आउट, ये तो होगा आपका पॉस्चर। एंड देन स्लो स्ट्रेच करना है, आप चाहे तो इस पे डंबल भी यूज कर सकते हैं, पानी की 2 बॉटल यूज कर सकते हैं, बच्चों की पानी की बॉटल। बाजू का फैट है ये कम हो जाएगा। सॉरी जनूबिया, हमें क्लोजिंग करनी है इसलिए हम जल्दी से वाइंड अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर भी मुलाकात होगी और हम जनाब आपसे इजाजत लेंगे। मंडे शुरू हुआ है, अभी पूरा हफ्ता बाकी है, पार्टी अभी शुरू हुई है, आपने पूरा हफ्ता इसी तरह से जागते रहना और हमारे साथ अटैच रहना है। हमें फेसबुक पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।